हेलो माय डियर फ्रेंड्स कैसे हो आप सब वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वे टू जो आर एफ एंड आई आई होप यू आर इंजॉइंग माय वीडियोस इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ गिव द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप लर्निंग कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग एंड आई एम आकांक्षा सिंह आई एम परसुइंग माई पी एच डी फ्रॉम वसंतराव नाइक मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र एंड आई हैड क्वालिफाइड बोथ नेट एन एस आर एफ प्रीवियस क्वेश्चन है पी वाई क्यूज उनकी प्रैक्टिस करते हैं आज वेट टू यार एफ लेस क्रैक इट फो स्टार्ट दीडियो द एमल्सीफायर यूज इन मायोनीज जो एमल्सिफायर मायोनीज में यूज़ होता है उसको क्या बोलते हैं इज मायोग्लोबिन सेलोज सोया प्रोटीन एंड लेसिथिन द करेंट करेक्ट आंसर इज लेथिन सो देखते हैं कि ये इमल्सीफायर्स uh, क्या होते हैं तो ये इमल्सीफायर्स आर एडिटिव दैट हेल्प टू मिक्स टू इमिसिबल लिक्विड जो दो इमिसिबल लिक्विड जो आपस में नहीं मिलते हैं लाइक वाटर एंड ऑयल अगर इनको एक साथ रखो तो वो अलग अलग लेयर बना के सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे वो एक में मिलते नहीं हैं तो ऐसे सब्सटेंस को जो एक दूसरे से नहीं मिलते हैं उनमें जो एडिटिव यूज़ करते हैं जो एक दूसरे को मिक्स कर दे उनको बोलते हैं एमलसीफायर देन आता है मायोनीस मायोनीज इज अ आयरन एंड ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन ये आयरन एंड ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है जो फाउंड इन द स्केलेटल एंड मसल टिश्यू जो ये स्केलेटल और मसल टिश्यू में पाई जाती है इसलिए इसलिए मायोग्लोबिन को टिश्यू प्रोटीन भी कहते हैं जो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन को बाइंड करके पूरी बॉडी में रेड ब्लड सेल के साथ पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है द नेक्स्ट इज ये हिंदी में है तो हिंदी में भी आराम से पढ़ सकते हैं ओके द नेक्स्ट इज फॉलोइंग फूड इज़ अ रिच सोर्स ऑफ रेटिनॉल ऑप्शंस आर मिल्क कैरेट स्पिनच एंड सोयाबीन दो करेक्ट आंसर इज मिल्क देखो मिल्क एंड कैरेट बोथ आर विटामिन ए रिच तो दोनों में डिफरेंस क्या है जब यहाँ पे जब रेटिनॉल बोला जाए देन इट इज़ एनिमल ओरिजिन प्रोडक्ट एंड जब बीटा कैरोटीन बोला जाए देन इट इज़ प्लांट ओरिजिन प्रोडक्ट्स दो जब प्लांट ओरिजिन प्रोडक्ट होगा लाइक कैरेट तो उसमें भी बीटा कैरोटीन होगा वन जब इट इज़ एनिमल ओरिजिन प्रोडक्ट देन इट इज रेटेनॉल ओके द नेक्स्ट इज ग्लूटेन फ्री डाइट इज गिवेन टू अ पेशेंट तो ग्लूटेन फ्री डाइट किसको दी जाती है ऑप्शन आर क्रोन्स डिजीज सीलेक डिजीज इरेटेबल बॉबल सिल्ड्रोम एंड लीवर डिजीज द करेक्ट आंसर इज सीलेक डिजीज जो सीलेक डिजीज पेशेंट होते हैं उनको ग्लूटेन फ्री डाइट दी जाती है तो so, आपका क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि ग्लूटिन किस में पाया जाता है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ग्लूटेन किस में पाया जाता है आपका होमवर्क है आगे देखते हैं क्रॉन्स डिजीज़ क्या होता है क्रॉन्स डिजीज इज एन इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज इट कॉजेज इन्फ्लमेशन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक मेनली ये डाइजेस्टिव ट्रैक से रिलेटेड डिजीज़ है जिससे डाइजेस्टिव ट्रैक में इन्फ्लमेशन होता है मीन स्वेलिंग आ जाती है जिसके सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से होता है एबडामिनल पेन सीवियर डायरिया फटीक वेट लॉस एंड माल न्यूट्रीशन तो ये मेन कॉजेज हैं ये डाइजेस्टिव ट्रैक में पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में कहीं पे भी हो सकता है दिस इज क्रॉन्स डिजीज़ एंड द नेक्स्ट इज द इम्यून रिएक्शन टू ईटिंग ग्लूटेन क्रिएट इनफ्लोमेशन दैट डैमेज द स्मॉल इंटेस्टाइन लाइनिंग लीडिंग टू मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस मीन्स जब ग्लूटिन uh, वाले डाइट ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें ग्लूटिन प्रेजेंट होता है वो जैसे ही बॉडी या डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जाता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है इनर स्किन है उसको डैमेज करने स्टार्ट कर देता है तो उसकी डैमेज ये इसलिए इसको बोलते हैं ग्लूटेन इंटॉलरेंसी तो इस जो भी इसलिए जो सीलेक डि सीलेक डिजीज पेशेंट्स होते हैं उनको ग्लूटेन फ्री डाइट दी जाती है और इसको सीलेक डिजीज को और भी कहते हैं और भी अदर नाम है सीलेक स्प्रू नॉन ट्रॉपिकल स्प्रू ग्लूटेन सेंसिटिविटी एंड ग्लूटेन सेंसिटिव इंटेरोपैथी ठीक है एंड द नेक्स्ट था लीवर डिजीज़ एनी कंडीशन दैट डैमेज द लीवर एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम फंक्शनिंग वेल कोई भी कंडीशन या प्रॉब्लम जो लीवर को डैमेज करे और उसको प्रॉपर फंक्शन करने में हैंडल करे मीन्स जो लीवर का जो फंक्शन है जो काम है उसका अपना प्रॉपर काम करने में उसको प्रॉब्लम करें उसको बोलते हैं लीवर डिजीज तो ये हिंदी में भी है तो हिंदी में भी आराम से पढ़ सकते हैं कहना नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइकोशोशियल थियोरी इज गिवन बाई पियाजे, एरिक एरिकरिक्शन हरलॉक एंड कोलबर्ग तो साइको सोशल थ्योरी इज गिवन एरिक एरिकरिक्शन जो पियाजे ने दी थी वो थी कॉगनेटिव डेवलपमेंट थ्योरी हरलॉक ने दिए हैं डेवलपमेंटल टास्क कोलबर्ग ने दिया है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी नेक्स्ट इज वन ब्लैक कलर इज एडिड टू एनी कलर इट इज़ कॉल्ड जब किसी भी कलर में ब्लैक कलर एड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं क्रोमा थिंट सेड एंड कलर वैल्यू उसको बोलते हैं शेड जैसे ब्लैक ब्लैक मीन्स डार्क डार्क मीन्स जहाँ पे अंधेरा होता है बोलते हैं वहाँ पे शेड है मीन्स अगर इसको ऐसे याद करेंगे जहाँ पे ब्लैक है वहाँ पे अंधेरा होता है अंधेरा मीन्स शेड तो इसको याद कर लेंगे शेड एंड जो वाइट कलर जब ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं टिंट टिंट में वाइट कलर ऐड करते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्केट इज अ प्लेस वेयर देयर इज मार्केट ऐसा प्लेस है वहाँ क्या होता है एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज सेपिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फिनिशिंग ऑफ गुड्स तो मार्केट में सिर्फ सामान मीन्स गुड्स का एक्सचेंज नहीं होता है वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ थिंग्स टेक प्लेस कॉन्टीन्यूसली नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ़ ईगो जो ईगो का फंक्शन है इज बेस्ड ऑन रियलिटी प्रिंसिपल ये रियलिटी प्रिंसिपल जो ईगो का फंक्शन है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस होता है मींस अगर इंडिविजुअल या किसी को भी भूख लगी है तो उसको रियल में खाना चाहिए उसका उसके माइंड में अगर फूड की इमेज बन रही है एक इमेजिनेशन हो रहा है उससे काम नहीं चलेगा उसको रियल में खाना चाहिए तो ये है ईगो मीन्स रियलिटी पर काम करता है रियल प्रिंसिपल्स पे लाइक किसी को कुछ चोट लगी उसको पेन हो रहा है तो अभी माइंड में कि हाँ ऐसा पेन किलर होता है ऐसा ऐसा तो ऐसे काम नहीं होगा उसको रियल में पेन किलर चाहिए जिससे उसकी जो भी पेन है वो ठीक हो सके इसलिए ईगो इज इस बेस्ड ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ क्लॉदिंग प्रोटेक्शन टैटूइंग एडोनमेंट मोडेस्टी तो टैटू टैटूइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ क्लॉदिंग ओरिजिनलिटी ऑफ क्लॉदिंग ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेच फाइबर न्योप्रीन स्पेंडेक्स इलास्टेन एंड विस्कस तो विस्कस इज नॉट द ये स्ट्रेच फाइबर नहीं है विस्कस ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है कि कभी पूछते हैं कि कौन सा स्ट्रेच फाइबर है कभी पूछते हैं कि कौन सा स्ट्रेच फाइबर नहीं है तो विस्कस इज नॉट अ स्ट्रेच फाइबर द नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल पीरियड फ्रॉम बर्थ टू ट्वेल्व मंथ इज नोन एज टॉडलर इन टीन एंड पियर तो जो इन्फेंसी uh, पीरियड जो दो ट्वेल्व मंथ तक का पीरियड होता है उसको बोलते हैं इन्फेंसी पीरियड द नेक्स्ट इज द टारगेट ग्रुप फॉर नेशनल लिट्रेशी मिशन एज तो नेशनल लिट्रेसी मिशन जो ये आया था नेशनल लिट्रेसी मिशन प्रोग्राम तो इसके लिए जो uh, जिसके टारगेट पीपल्स थे जिनको लिटरेट करना था वो टारगेट था फिफ्टीन टू थर्टी फाइव ईयर इसका जो मेन एम था ये था कि जो इलिटरेट पीपल हैं बिटवीन द एज ऑफ फिफ्टीन टू थर्टी फाइव उनको लिटरेट करना दैट्स वाई दे कैन परफॉर्म लाइवली डेली लाइवलीहुड एक्टिविटीज मीन्स जो भी उनकी डेली लाइफ एक्टिविटीज है रिलेटेड टू लिटरेसी उनको अच्छे से परफॉर्म कर सकें और ये जो नेशनल लिटरेसी मिशन है ये आया था 1988 में द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेशनरी नाइफ बैंड राउंड स्ट्रेट डाई जो स्टेशनरी नाइफ इज बैंड नाइफ इज द स्टेशनरी नाइफ Okay. the next is which of the following is a double pointed dart flying french fish and dressmaker the fish dart is the double pointed dart the next question is a portion of output reinterred as input to affect succeeding output is means uh, if portion like feedback its answer is feedback जब आपको कोई फीडबैक मिलता है या किसी को कुछ फीडबैक मिलता है तो उसको आप दोबारा से एनालाइज करके फिर उस पर काम करने से जो सक्सीडिंग आउटपुट है वो और इम्प्रूव होकर आएगा तो उसको इसलिए जो बोलते हैं कि जो आउटपुट एक बार मिला है जो फीडबैक मिला है उसको एनालाइज करके फिर से री एंटर करना एज अ इनपुट उसको बोलते हैं फीडबैक द नेक्स्ट इज द रिकमेंडेड हाइट ऑफ द वर्क सरफेस इन द किचन फॉर इफ़िशेंट ऑपरेशन Means, अच्छे से प्रॉपर सुटेबली किचन में काम करने के लिए जो किचन सरफेस है उसकी हाइट क्या होनी चाहिए फोर इंचज बिलो द एल्बो फाइव इंचज बिलो द एल्बो थ्री इंचज बिलो द एल्बो लेवल एंड सिक्स इंचज बिलो द एल्बो लेवल। सो द करेक्ट आंसर इज थ्री इंचज बिलो द एल्बो लेवल। एंड द नेक्स्ट थैंक यू दिस इज माई फेसबुक पेज आप मुझे यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड द चैनल इज़ वे टू जे आर एफ तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ये टॉपिक वाइज सीरीज़ का कुछ आ, लास्ट या सिक्स और सेवन्थ पार्ट है अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा एंड अभी तक आपने सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिएगा उनका सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और एक प्ले लिस्ट है अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पी वाई क्यू करके तो प्ले लिस्ट का भी लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में तो आप उसको जरूर देखिएगा एंड अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय स्टे होम एट स्टे हेल्दी